स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12572 गोरखपुर हम सफ़र में, जो कि आनंद विहार से वीक में 4 डे रन करती है, संडे, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और आनंद विहार से शाम के 8 बजे निकलेगी और नेक्स्ट डे 9:30 बजे गोरखपुर अप्रोच कर लेती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1169 किलोमीटर विद इन 13:15 मिनट। सो हे गाइस, दिस इज विशाल हियर एंड यू आर वाचिंग विशाल वर्मा व्लॉग। वैसे आज हमारी कोच अलॉट हुई है 20:17 और मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा था एंड सडनली मुझे मेरे को पैसेंजर जो थे प्रीवियस जर्नी के, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ट्रेन आ चुकी है। तो भागे भागे आया और आज की जो जर्नी है वो 20:17 यानी कि बहुत पीछे है भाई। मैं एक नंबर से चल रहा हूँ क्योंकि जहाँ वेटिंग रूम थी वहाँ पर B1 लगी हुई थी। ये ट्रेन गाजियाबाद के WAP 7 के साथ रन करती है। वॉइस इतनी है जनरेटर कार की कि कुछ कह नहीं सकते। तो WAP 7 जो है हमें खींच के लेके जाएगी और एक जगह इसका लोको चेंज होगा और डीजल में चेंज होगा, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। टॉकिंग अबाउट टाइम, तो हमें लगेगा 13:30 और इस ड्यूरेशन में ये ट्रेन 839 किलोमीटर कवर करेगी विद द एवरेज स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर। और इस रूट पे मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहेगी 130 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। वैसे एक बात रह गई कि इसमें पेंट्री कार की सुविधा नहीं है, तो साइड कैटरिंग जिसे मिल सकती है, तो वो तो अब ट्रेन के चलने के बाद ही पता चलेगा कि साइड कैटरिंग की कैसी सुविधा है। तो वो सब ट्रेन जब चलेगी तब देखेंगे। और आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये ट्रेन रन करती है। दिक्कत ये है कि सब कोच हम सफ़र की लिवरी में है, बस हमारी और एक आगे की कोच जो है हम सफ़र की लिवरी में नहीं है। ये तो अभी आ गई है, कर्टन वर्टन सब अभी बांट भी रहे और बहुत जगह दे भी रहे। अभी मैं जब कोच में जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। और ये बेस्ट थिंग है आई थिंक कि धीरे धीरे सारे ट्रेनों में अब शुरू हो रही है। तो चलिए अब मैं इसके वॉशरूम के कंडीशन के बारे में बता दूँ। वैसे मेरा राज मुझे पहली बार साफ़ नहीं दिख रहा। यहाँ पे टैब, ये रहा डस्टबिन, नीचे फायर सेफ्टी गायब है और ये वॉशरूम। तो अब मैं हूँ गोरखपुर हमसफर के एक्स वॉशरूम में। एक चीज़ नहीं समझ में आई कि नीचे पानी हो रखा है, शायद साफ़ किए तो पानी नहीं हटा है, बाकी ओके है। ये रहा टैब, यहाँ पे लिक्विड सॉप, ये टिश्यू नैपकिन, पीछे मोपेड और साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ समझ आया कि नीचे पानी हो रखा है, तो ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। सो एग्जैक्ट ऑन टाइम हम यहाँ से डिपार्ट कर चुके हैं। इसके बाद आने वाला है कानपुर सेंट्रल, जो कि आएगा 1 बजे। तो
अब वहीं पे बात होगी और मैं अभी जा रहा हूँ खाना ऑर्डर करूँगा, खाऊँगा, भूख बहुत लगी है, खा के फिर देखता हूँ कितने स्टेशन कवर होते हैं। वैसे बहुत कम होल्ट है, 8 होल्ट ही है, तो एंजॉय करते हैं जर्नी। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सामने लगी हुई है देहरादून एक्सप्रेस। मैंने साइड पेंट्री से ऑर्डर किया था, 3 चपाती, 1 राइस एंड 1 दाल, यहाँ पनीर की सब्जी मिक्स वेज में, ये मिक्स वेज और ये रायता। वैसे पेंट्री का ऑप्शन नहीं थी, डेट्स वाई ये करना पड़ा। वैसे बात करें फूड की तो बहुत ओके थी, पनीर की सब्जी ओके नहीं थी, बाकी सब ओके। वहाँ पर चलता हूँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मुलाकात होती है कानपुर। आ रहे हैं क्या इधर? ये कौन थे? निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी पे हम आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB और ये इस ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट है। वैसे ये ट्रेन लेट तो नहीं होती, बस
काउंटर पे आके लगी पड़ी थी, स्टेशन की प्लेटफॉर्म जो थी वो क्लियर नहीं थी। एंड बात करें कानपुर सेंट्रल की, तो यहाँ पे 334 ट्रेन आकर होल्ड करती है, 21 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट एंड 21 ट्रेन आकर यहाँ पर टर्मिनेट करती है। और ये स्टेशन जो है थर्ड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। हालांकि इस स्टेशन के पास कई सारे रिकॉर्ड है, उसका सबसे लार्ज इंटरलॉकिंग सिस्टम इस स्टेशन के पास है। तब तक की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी रही, और मैं 20 मिनट सो गया, 20 मिनट ही मात्र सोया हुआ, पूरे रूट पे मैं बैठ के पूरे पैसेंजर के साथ बात ही कर रहा था। एंड टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, तो हम अभी इसके बाद से कवर करेंगे लखनऊ, जो कि मैं स्किप करने वाला हूँ, एंड इसके बाद आएगा गोंडा, वहाँ से मैं आगे की जर्नी शुरू करने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि इस जर्नी को पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये रखते हैं पार्ट वन, और आगे की जर्नी जो है पार्ट टू में रखेंगे। वैसे अगर ये ट्रेन लेट नहीं हुई होती तो मैं अपने पिताजी से मुलाकात करता था, वो दूसरे ट्रेन से आए रहते, और कानपुर सेंट्रल पे दोनों ट्रेन एक समय पे ही मिलने वाली थी, बट वो तो अधूरी रह गई। तो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कि पापा कहाँ दिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।